clear. Guys, I don't know what is that, but please take a look. दिख रहा? दिख नहीं रहा होना? दिखता मैंने भी नहीं रहा कुछ ना ही दिखे. रवि भाई ये पराठे आप बना रहे हो या आंटी जी बना के गए हैं? यार एक्चुअली ये आंटी जी बना के गए. मैं तो सिर्फ सेक रहा हूँ. मुझे लगता है कि हम सब में सबसे फिटेस्ट. थैंक यू यार. रोहित नहीं है, रोहित है. दोस्ती का नाजायज फायदा कैसे उठाया जाता है? कोई लोग इससे सीखे, हम लोग इससे सीखे. गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल. मैं हाँ मोहित, ते अज तुहानू असीं लैके चलांगे एक नवीं जगह ते नवे दोस्तां दे नाल. बट ये दोस्त कौन ने ते आपां कित्थे चले हाँ, ये है थोड़े वास्ते एक सरप्राइज. बट इस सरप्राइज तो पहला तुहानू इन्ना हिंट असीं दे सकते हैं कि मैं चलिया हाँ चंडीगढ़ राइट नाउ. इट्स 1:30 इन द आफ्टरनून. तो इतों आपां चलांगे चंडीगढ़. चंडीगढ़ दो होर दोस्त मिलेंगे आपां नूं, ते उत्थों फिर तुहानूं दस्सांगे असीं कित्थे चले हैं. स्टे ट्यून्ड क्योंकि अगले 3 दिनों वास्ते तुसीं हो साडे नाल. चलो चल. Guys, it's 3 in the evening और मैं एक छोटी सी पेट पूजा ब्रेक के लिए रुका हूँ यहाँ पर समवेयर नियर पतना. एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि मैं हिसार टू चंडीगढ़ ट्रैवल कर रहा हूँ वाया पटियाला. वाया पटियाला क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ इसका एक रीज़न है. उसका रीज़न ये है कि पटियाला मेरे रिलेटिव्स हैं जहाँ पर मैं गाड़ी पार्क कर दूँगा और वहाँ से फिर बाय बस आई गो टू चंडीगढ़. चंडीगढ़ से कहाँ जाना है ये आपको बताऊंगा चंडीगढ़ जाकर. तो गाइस मेरी ब्रेक हो चुकी है ओवर और अगला ब्रेक हम लेंगे डायरेक्ट पटियाला में. Guys, I have reached Patiala. Guess what, guys? I have reached my friend's home. और जिन दो लोगों की मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, एक बंदा उनमें से. See how hardworking he is. रवि भाई ये पराठे आप बना रहे हो या आंटी जी बना के गए हैं? यार एक्चुअली ये आंटी जी बना के गए. मैं तो सिर्फ सेक रहा हूँ. हाँ क्या बता रहा था रवि भाई को? मैं कह रहा हूँ पराठे सेकना भी एक्चुअली एक टेक्निक है. अच्छा. हाँ जी बिल्कुल. गौर से देखिए इस बंदे को. पराठे सेकना कोई इससे सीखे. बाई गॉड मैं आपको बता रहा हूँ माँ के हाथ का स्वाद माँ के हाथ का ही होता है. यम्मी बॉन्डे. थैंक यू आंटी जी. सेकी देखो मैं देखो सेकी मैं. सेकना इज मोर इम्पोर्टेंट देन पराठे बनाना. आंटी जी आई होप तुसी देख रहे हो ये वीडियो. हे गाइस वेलकम अगेन. और इट्स 11:50 इन द नाइट और हम लोग अपने तीसरे साथी को लेने जा रहे हैं जो चलेगा हमारे साथ ट्रिप पे. बस थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद मैं रिवील करूंगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं. एक हिंट आपको दे सकता हूं कि हम लोग जा रहे हैं हिमाचल में. अब आप लोग गेस कीजिए हिमाचल में हम कहाँ जा रहे हैं. रवि डोंट टेक कॉल्स व्हाइल ड्राइविंग. सो गाइस
थर्ड पर्सन हैज अराइव्ड, ही इज रोहित। से हाय रोहित। हेलो। तो अब लोग अभी बता दूं क्या? नहीं अभी नहीं बताना, हम लोग बताएंगे जब हम बोर्ड करेंगे हमारी बस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। क्लियर गाइस, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट प्लीज टेक अ लुक। दिख रहा? दिख नहीं रहा होना। दिखता मैनु भी नहीं रहा कुछ ना ही दिखे। गाइस इट्स 1:30 इन द मॉर्निंग या इन द नाइट कहूँ, आई डोंट नो, बट बस हमारी जहाँ हम जा रहे हैं वो लेट है 1.5 घंटे से, और फाइनल टचिंग कर रहे हैं हम सब। रोहित भाई अपनी ट्राउजर ठीक कर रहे हैं, रवि भाई अपने शू लेसेस बांध रहे हैं, और अभी भाई लोग इधर आओ। हाँ भाई आ रहे हैं। हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ? मैक्लोडगंज। यस, हिमाचल के मैक्लोडगंज धर्मशाला में हम जा रहे हैं, और अभी देखते हैं हमारी बस, अगर पॉसिबल हुआ तो बस में शूट करेंगे, नहीं तो हम मिलेंगे कल सुबह डायरेक्ट धर्मशाला। तब तक बाय बाय। सो गाइज फाइनली वी आर आउट ऑफ रवीज हाउस, और हम लोग जा रहे हैं अपने बोर्डिंग पॉइंट पे। होपफुली बस और डिले नहीं होगी। और कुछ कहना चाहोगे गाइस? बस मैक्लोडगंज का कुछ। ओके, सी यू इन मैक्लोडगंज। गाइस वी हैव रीच्ड जहाँ से हमें बस बोर्ड करनी है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मेला लगा हुआ है, ऐसा लगता ही नहीं है कि 2:45 बज गए हैं रात के। सी यहाँ पे हमारी बस आएगी और उसी के लिए हम वेट कर रहे हैं। आई होप जल्दी से बस आए, जल्दी से हम बैठें और सफ़र शुरू हो। गाइस फाइनली वी हैव बोर्डेड आवर बस, और बस चल चुकी है, और हम अभी सोएंगे, कल सुबह मिलेंगे आपसे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, इट्स 7:30 एंड वी हैव जस्ट रीच्ड मैक्लोडगंज। अगर किसी को इसी रूट में बस आना है तो हमारी जो कि वो थी एक वोल्वो 2x2 सेमी स्लीपर बस, एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 पर पर्सन सिंगल साइड। तो दैट वाज सम इंफॉर्मेशन जो आपके लिए काम आ सकती है। फिर शुरुआत हम लोग मॉर्निंग वॉक के साथ साथ, क्या बोलूँ मैं इसको, ट्रैक तो नहीं बोल सकते, नहीं, बट जो भी है इट्स मज़ेदार दोस्तों के साथ। यो यार सुबह के धूप, पहाड़ों के धूप की बात ही अलग है। नहीं धूप है लेकिन फिर भी ठंडी का मज़ा आ रहा है। और रवि भाई साहब क्या साइलेंट मोड पे ही रहता है रवि हमेशा? वैसे रवि की एक खासियत है, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ ऐसा पंच मारता है ना, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। ओह प्लीज और तारीफ मत करूं। अरे यार धूप बहुत ज्यादा आ गया ने। रोहित भाई मैं खींचू? भाई कैसा लग रहा है खींचते हुए? बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब में सबसे फिटेस्ट थैंक यू यार रोहित नहीं है, रवि है। बिकॉज रवि रेगुलरली जिम जाता है। सो वी आर जस्ट 10 मिनट्स अवे। 10 मिनट्स अवे, ओके। जल्दी हम अपने होटल में होंगे। माशाल्लाह। इफ यू रिमेम्बर मैंने अभी अभी बोला था कि रवि हम में से सबसे ज्यादा फिट है। द रीजन इज दोस्ती का नाजायज फायदा कैसे उठाया जाता है, कोई लोग इससे सीखे, हम लोग उससे सीखे। गाइस बहुत ही मजा आ रहा है, हमारा सारा सामान रवि उठा के जा रहा है। आज बंद कर दो यार, तुझे सीरियस लगे। सीरियस भाई, दोस्ती के नाते, दोस्ती के मायने। यो रवि, रवि रवि रवि।
गाइस वी हैव चेक्ड इन एट आवर होटल और ठंडी अभी तक तो ज़्यादा नहीं लग रही है। रवि भाई सब किस में बिजी है भाई। और हाँ, स्पेशल थैंक्स टू दिस गाय जिसकी वजह से ये ट्रिप प्लान हो सका, या यूं कहिए कि एग्जीक्यूट हो सका। और थैंक यू थैंक यू। सो बस बंद कर दो, बाद में बताएंगे फिर। क्या बताएंगे? जो बाद में बताना है अभी बता। सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग कि आगे कहां का प्लान क्या करेगा। सो एक सजेशंस आए हैं हमारे साथी मोहित की तरफ से क्या? कि हम ट्रैकिंग करते हैं। यस, ट्रियोन की इफ पॉसिबल तो हम ट्रैकिंग जरूर करेंगे। और मेरा ये मानना है कि आज हमें लोकल मार्केट कवर करनी चाहिए और ट्रैकिंग जो है हम कल सुबह का रखेंगे। मैं लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। और हाँ यार, तुम लोगों को नींद कैसी आई वोल्वो में? तू रहने दे, सबसे पहले ये बंदा सोया था। हम लोग जस्ट बैठे, इसने हेडफोन्स लगाए और बंदा सो गया। और ये भाई साहब कराटे मार मार के सो रहे थे। हाँ, बुड्ढा मार रहा था। तू मार रहा था बुड्ढा? बच्चे क्या सीखेंगे ऐसे देख के हमें? बुड्ढा नहीं बोलने का, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एम आई राइट? चलो गाइस, फिलहाल हम फ्रेशन अप होते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। टिल देन सी यू।